सो हमारी टॉप 10 सीरीज से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छे से देखेंगे आप। दोनों ही लैंग्वेज ट्रिग्नोमेट्री में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम होना नहीं है हिंदी और इंग्लिश का। क्या गिवन है, यदि हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, जैसे कि मैंने आपको बताया था गिवन है, देन तो मुझे क्या फाइंड करना है, ये देखिएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल 1 का मान होगा। ऑप्शंस मेरे पास क्या है, ऑप्शन ए है मेरे पास 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, बी ऑप्शन है 2 cos a cos b cos c, और सी ऑप्शन है 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, और डी ऑप्शन है 8 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। बस मुझे 2 4 8 का देखना है कौन सा ऑप्शन में होने वाला है। अभी हमने डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, तीनों एंगल सम 180 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो क्या रिजल्ट था हमारा, याद है आपको, अभी बिल्कुल अभी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, 4 sin a, a यूज होगा, यहाँ पर 2 है इसलिए 4 sin a, sin b, sin c, सेम ऐसी डिनोमिनेटर वाला भी यहाँ पर था, नहीं था बिल्कुल था, क्या था हमारे पास उसका रिजल्ट, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, यही तो रिजल्ट था। आप चाहो तो इसे लर्न भी कर सकते हो एग्जाम के लिए, चाहो तो आप इसे कर भी देख सकते हो, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी ड्राइव कर सकते हो, टाइम की बचत के लिए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं टाइम को बचाने के लिए मैंने यूज कर लिया है। 4 से 4 कैंसिल, sin a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, सेम ऐसे यहाँ पर आएगा sin b का, आप डायरेक्ट भी जल्दी से कर सकते हैं cos b by 2, ये भी 2 sin c by 2 इंटू cos c by 2, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2 कुछ कैंसिल है, sin c by 2 b by 2 और a by 2 कैंसिल, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 cos a by 2 cos b by 2 और cos c by 2। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड तो नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर नहीं भी क्लियर हो सकता है डायरेक्ट कैसे यूज किया, अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन पूरा करके दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सीरीज का, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से ये है, अच्छे से सुनना है आपको, क्या गिवन है, सेम अब थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 2s गिवन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवाइज भी ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे फाइंड क्या करना है, साइन एस माइनस ए प्लस साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस सी और माइनस साइन एस की वैल्यू क्या होने वाली है, ये मुझे फाइंड करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। साइन ए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, या फिर सीबीसी में बोल सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 2, सेम यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos, पहले cos आता है माइनस वाले में और यहां पर साइन आता है बाय 2, ठीक है, सॉल्व करते हैं, s और s 2s हो जाएगा, 2s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहां पर पुट करेंगे a और b कट जाएगा खाली c बचेगा, यस और नो कर सकते हैं, इतनी ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी नहीं, s से s कैंसिल, क्या बचा a माइनस बी, b माइनस a को a माइनस b लिख सकते हैं cos में, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स है बेसिक जो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। यहाँ पर एस और एस 2s, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, सी से सी कैंसिल, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये मेरे पास यहाँ पर कुछ कैंसिल है, इससे ये कैंसिल, माइनस का सी बचेगा, और साइन माइनस का थीटा होता है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, छोटी छोटी टर्म्स में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या बचा, 2 साइन सी, 2 साइन सी कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं 2 साइन सी बाई टू, ये मैं सेम लिखता हूँ कॉस ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पर क्या है कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं था ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये फॉर्मूला किसका होता है हमें पता ही है डायरेक्ट, ये सेम लिखेंगे हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है देखिए ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूं, क्लियरली हो गया है, यहां पर हमारा फॉर्मूला आएगा sin b / 2 sin a / 2, ये हमारे पास के ऑप्शन ये आने वाला है हमारे पास, तो वैसे फॉर्मूला किसका होता है 2 sin a / 2 इंटू साइन बी बाई टू, ये फॉर्मूला आने वाला है, कैसा आएगा, टू साइन ए हमारे पास साइन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यही तो आएगा टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, टू टू जो फोर हो जाएगा साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, क्लियर ना,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 2 2 4 हो गया, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, कोई डाउट तो नहीं है। छोटे मोटे सेशन में जैसे कि मैंने यहाँ पर एस और एस को 2s लिखा, 2s हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी कट जाएंगे, खाली सी बचेगा। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट किया है, कहीं पर आपको नहीं पता क्वाड्रेंट में बता दूं, कहीं पर लिखा है कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और कहीं पर अगर यही चीज साइन के साथ लिखी है तो माइनस के साथ आ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया था, बीच में प्लस था माइनस कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास सीरीज का, सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड में हमारे पास गिवन है सेम वही गिवन है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी 180, ज्यादातर यही मिलता है सिमिलर। वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। और इसका मान निकालना, ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत आसान है, मैं इसे आराम से फिर से सॉल्व कर दिखाता हूँ, देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कम करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है डायरेक्ट से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर मैं एक बार करा दूंगा, फिर आप डायरेक्ट अपना आप यूज कर लेना। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला याद नहीं उन्हें याद कर लीजिएगा, ये सेम ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई माइनस सी, क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी को, पाई माइनस बी लिख लेंगे, ए प्लस सी है तो पाई माइनस बी आ जाएगा, पाई माइनस बी, दोनों का अपॉन एक साथ लिख लिया, सेम ऐसे ही ए माइनस सी बाई टू। साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला वन माइनस कोस स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये एक बार इसके अपॉन में करेंगे, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, कितनी आराम से कर रहा हूँ, देखा ना स्टेप बाय स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वन माइनस कोस स्क्वायर बी बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा कोस बी बाई टू, ये मेरे पास साइन ए माइनस सी बाई टू, ये वन माइनस कोस स्क्वायर बी बाई टू। अब वन को मैं सेम लिखता हूँ, कोस बी बाई टू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, कोस बी बाई टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास एक बचेगा, कोस स्क्वायर बी है ना तो एक बचेगा, माइनस से मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, और यहाँ से कॉमन लूंगा माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, साइन चेंज करना आते हैं ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, ठीक है, सेम लिखते वन माइनस कॉस बी बाय टू, बी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से देखकर बताएंगे, पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं, एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, किसे लिख सकते हैं, कॉस को, कॉस लिखा है ना, कॉस तो लिखा ही नहीं हमने, कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस सी, टू अपॉन में सेम, माइनस सेम, ठीक है। एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में करेंगे, सो क्या आएगा, कॉस पाई बाई टू ए प्लस सी बाई टू, ये वाला सेम, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फिर हमारे पास वो आ गया। अब यहां पे चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया था, चाहो तो आराम से सॉल्व करके देख सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करके दिखा दूं, अब की बार अप्लाई करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, माइनस में तो पहले कोस आएगा, टू कोस ए प्लस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है, ये सेम, टू हमारे पास सेम रहेगा, कॉस बी बाय टू, ये क्या है, कॉस क्या आएगा बताओ, बेस सेम है, सी आराम से करते हैं फिर, ए प्लस सी ए माइनस सी अपॉन फोर, साइन ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी अपॉन फोर, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या सॉफ्ट होगा, वन माइनस टू कॉस बी बाई टू, यहाँ सी से सी कैंसिल, टू ए ए से ए कैंसिल, कॉस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टू सी टू से फिर कैंसिल होगा। सो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एक साइन दो कॉस हो, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चेक करें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो वन माइनस टू कोस ए बाय टू कोस बी बाय टू साइन सी बाय टू, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे पास, अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फोर के गिवन है, फोर में
तीनों एंगल हम 90 गिवन है, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तीनों के स्क्वायर की, मीन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ऑप्शन ए बी सी डी आपको डिस्प्ले होने में प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर बी सेम लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला खोल लेते हैं कोस के टर्म्स में, वन माइनस कोस स्क्वायर बी होता है साइन स्क्वायर बी, यस और नो, ये ऐसे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन सेम कोस बी पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला हो गया प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और इसे सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं कोस है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना इसका माइनस है, अगर मैं माइनस पूरे में से कॉमन लेता हूं तो ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ यहां से, पाई माइनस सी कॉस 90 माइनस सी, सॉरी पाई नहीं 90 माइनस सी कॉस ए माइनस बी सेम, माइनस मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन सी आ जाएगा, साइन सी यहाँ पर भी है, साइन सी कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी, साइन सी एक कॉमन चला गया, एक साइन सी बचेगा, और सी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना अबव स्टेटमेंट की हेल्प से। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये सेम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला किसका होता है बताइए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू साइन ए साइन बी का, मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस टू साइन ए साइन बी साइन सी, सो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वन माइनस टू साइन ए साइन बी साइन सी, हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फोर्थ का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छा है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है फिफ्थ, हाँ लेकिन डिफरेंट टर्म्स है। फिफ्थ में हमारे पास है तीनों एंगल सम कितना गिवन है, 180 गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, फाइंड करना है कोट बी प्लस कोट सी, मल्टीप्लाई में है यस, कोट सी प्लस कोट ए प्लस कोट सी, ठीक है, किसके इक्वल होगा इसका निकालना है, ऑप्शन हमारे पास सभी है, sec a sec b sec c, cos a k cos a b cos c, tan a tan b tan c और 1, देखते हैं क्या आएगा। पहले हम कोट का फॉर्मूला cos upon sin, ऐसे यहां पर cos upon sin, ठीक है, सेम यहां पर अप्लाई करेंगे cos upon sin, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इजी है सब, ऐसे यहाँ पर cos upon sin है, कोट का आसान सा फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बताएं क्या आएगा, sin a cos b cos a sin b, किसका फॉर्मूला है sin a plus b का, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऐसे यहाँ पर sin a plus b का sin a plus b का, ठीक है, यहाँ पर क्या था bc ca और ab होना चाहिए था, ab होगा, ठीक है, हाँ ए बी ही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अपॉन में क्या आएगा, साइन बी साइन सी, इसके अपॉन में साइन सी साइन ए, इसके अपॉन में साइन ए साइन बी, ठीक है, बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को पाई माइनस ए, और कोस साइन साइन आएगा साइन 180 माइनस ए, साइन ए ही होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ए ये मेरे पास आएगा साइन बी, ये आएगा साइन सी, नीचे क्या है स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मतलब दो बार लिखा हुआ है ना, तो मैं दो बार ही लिख देता हूं, चलो एक एक बार कैंसिल है, वन अपॉन साइन क्या आएगा कोसेक, कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोसेक वाला ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे सीरीज का क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है तीनों एंगल सम 180 गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, फाइंड करना है कोट ए बाय टू कोट बी बाय टू और कोट सी बाय टू का सम क्या होगा, तीनों का ऑप्शन हमारे पास सॉरी चार ऑप्शन हमारे पास क्लियर है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, सॉल्व करते हैं,
कोट का फॉर्मूला कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, सेम यहाँ पर कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, और सेम यहाँ पर कॉस सी बाई टू अपॉन में साइन सी बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यस और नो? ये तो आसान है ना, डिनोमिनेटर सेम साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, ये भी अभी सेम लिखते हैं, इसका भी आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या लिख लेंगे, पाई ए माइनस सी अपॉन टू है साइन नाइनटी माइनस थीटा आ जाएगा कोस सी बाई टू, ये सेम लिखते हैं। दोनों में कुछ कॉमन है, यस कोस सी बाई टू कॉमन है, कोस सी बाई टू कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे हम, यही तो आने वाला है, यस और नो? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। मैं न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर आपको याद रखना है क्या है, ध्यान रखना है टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड सॉल्व करने के लिए, ये डिनोमिनेटर याद रखना। मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा नहीं, खाली न्यूमिनेटर लिखकर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास देखो, कोस सी बाई टू सेम, कोस सी बाई टू सेम, टू साइन सी बाई टू सेम, टू साइन सी बाई टू, ठीक है। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा आपने फॉर्मूला याद करें अच्छे से, जो मैं आपको वो क्या आए थे, चलो कोई याद डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉस सी बाई टू टू साइन सी बाई टू, कॉस ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस सी लिख लेंगे, कॉस वन एट्टी माइनस थीटा साइन सी बाई टू आ जाएगा, ये वाला सेम रहने देते हैं, कॉस ए माइनस बी बाई टू, टू और वन हमारे पास ए प्लस बी वाला माइनस में आता है, हाँ ये वाला पहले आता है और ये वाला बाद में आता है, तो ये माइनस में और ये प्लस में आता है, ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा साइन सी बाई टू बचेगा, ये है मेरे पास कॉस ए बाई टू सेम। ये बताओ क्या आएगा, सी को हम क्या लिख लेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा यानी कि नाइनटी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये मेरे पास सेम। ये फॉर्मूला किसका होता है याद है, टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, इसका फॉर्मूला होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा था, यही तो चल रहा था, टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन अपॉन कोस कोट ए बाई टू कोट बी बाई टू और कोट सी बाई टू, क्लियर ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारे पास, सेवन में क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी का सम टू एस के इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, कोस स्क्वायर एस प्लस कोस स्क्वायर एस माइनस ए प्लस कोस स्क्वायर एस माइनस बी कोस स्क्वायर एस माइनस सी, स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था साइन वाले फॉर्मूला अप्लाई किया था उससे भी कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला और बता दूं उससे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर किसी से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे कैसे, देखते रहिएगा आराम से। कोस स्क्वायर एस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा कोस स्क्वायर एस माइनस ए, टू से मल्टीप्लाई कर लें सब में, टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस और नो? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉस टू ए का, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो टू कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ, ये वन प्लस कॉस टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एस, ये क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एस टू ए, यही तो आएगा, यस और नो? ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्या जाएगा, वन प्लस कॉस टू एस टू बी, ये क्या आएगा वन प्लस कॉस टू एस टू सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वन टू थ्री फोर हो गया, फोर प्लस
कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस टू एस कॉस टू एस माइनस ए, ये एक जगह अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला इसका, और एक जगह इसका अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, कॉस टू एस टू बी कॉस टू एस टू सी। सो देखते हैं क्या हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वन अपॉइंट टू बिल्कुल बाहर ही रहने देते हैं, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। सेम यहाँ पर टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, कुछ कैंसिल है, देखें वन अपॉन टू सेम, फोर सेम, टू कॉस सेम, टू एस और टू एस हो जाएगा हमारे पास फोर एस, यहाँ से टू एस की वैल्यू रख लेते हैं हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, तो कट करने पर हमारे पास कितना है, पहले टू कॉमन ले कट कर देते हैं, सो टू एस माइनस ए बचेगा, टू एस से टू एस कैंसिल कॉस ए बचेगा। सेम यहाँ पर कुछ कैंसिल है, टू कॉमन ले कट कर दें, कॉस टू एस माइनस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है, टू कॉमन ले काट दिया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस टू एस कैंसिल, टू कॉमन ले कैंसिल बी माइनस सी बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता ना, बिल्कुल ठीक है। टू पूरे में से कॉमन ले कट, टू प्लस बचेगा, कॉस टू एस की वैल्यू ए प्लस टू एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए कैंसिल तो बी प्लस सी बचेगा, ये कॉस ए सेम, टू तो कॉमन ले कट गया, टू एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस बी माइनस सी। अब पूरे में से क्या कॉमन है मुझे, मेरे पास यहां पर कॉस से कॉमन है तो क्या बचेगा, कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी, फॉर्मूला किसका होता है वो, टू कॉस बी कॉस सी का, तो ये मेरे पास आ गया टू प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। सो कौन सा ऑप्शन है सर, सो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल ये ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा शायद बिल्कुल करेक्ट है शायद इसका, इसका ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं सीरीज का, क्वेश्चन नंबर एट क्या है हमारे पास, एट में हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का सम हमारे पास 180 है, तो मुझे ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, सब में टेन स्क्वायर ए बाई टू, टेन स्क्वायर बी बाई टू, टेन स्क्वायर सी बाई टू है, मीन्स मेरे पास तीनों एंगल्स के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका सम स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन वन, या फिर देखते क्या आएगा। तो तीनों एंगल कौन कौन से लो के 60 60 60 ले लें, ए भी 60 लेट कर लेते हैं एक मिनट के लिए, बी भी 60 लेट कर लेते हैं, और सी भी, तीनों का सम 180 आ रहा है मान लेते हैं। टेन स्क्वायर ए बाई टू सब में सेम दिया है ना, टेन स्क्वायर बी बाई टू और टेन स्क्वायर सी बाई टू, यही तो है सब में कॉमन। ए की वैल्यू रखूंगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, और साइन टेन 30 की वैल्यू 1/√3, रूट थ्री का स्क्वायर है, सेम यहाँ पर आएगा और सेम यहाँ पर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3/3 यानी कि 1 के तो इक्वल आएगा पक्का, 1 के इक्वल वाले ऑप्शन कितने, तीनों ऑप्शन ऐसी हैं, बी भी सी भी डी भी, तीनों में इक्वल दे रखा है, कोई बात नहीं। 60 60 60 ना लेकर 2 45 ले लें और एक 90 ले लें, 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है 90, इन्फिनिटी होता है, मोर देन 2 तो यहीं पर ही आ गया, तो हमारे पास 1 के इक्वल होगा और मोर देन 2 होगा, 1 के इक्वल मोर देन इक्वल वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 1 के इक्वल भी है और ग्रेटर देन 2 भी है, तो 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें सीरीज का, 9 क्या है, 9 में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में एक्स वाई जेड गिवन है, ऐसा गिवन है, ऐसा वैसे हमने यूज भी किया है, प्रूफ क्या करना है हमें, तो हमें मान निकालना है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, फर्स्ट है 1/2xyz, बी ऑप्शन है 2xyz, सी ऑप्शन है 4xyz, डी ऑप्शन है 8xyz। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है। ये वाला रिलेशन कब मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में वीडियो बता दी, 3 डिजिट्स का सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यानी कि टेन याद दिला दूं, 2a प्लस टेन
टू बी टेन टू सी का सम हमेशा टेन टू ए टेन टू बी और टेन टू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, चाहे वो बाय टू भी हो चाहे सी भी हो नॉर्मल भी हो, ठीक है। तो अगर ये वाला एक्स वाई की टर्म्स अगर देखी जाए, एक्स को मैंने क्या माना, एक मिनट के लिए टेन ए माना, टेन बी माना, टेन सी माना, इक्वल में टेन ए टेन बी टेन सी माना। सो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर है, यही तो होता है। सेम यहाँ पर टू टेन बी वन माइनस टेन स्क्वायर बी, टू टेन सी वन माइनस टेन स्क्वायर सी, यहाँ पर भी सेम टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, प्रोडक्ट में ये भी सेम टू टेन बी वन माइनस टेन स्क्वायर बी, टू टेन सी वन माइनस टेन स्क्वायर सी। साथ में क्या मैंने क्या लेट के मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्स को मैंने टेन ए माना, वाई को टेन बी माना और जेड को टेन सी माना, तो वैल्यू भी आप पुट कर दें। टेन ए मैंने किसे माना, एक्स को, ये वाई को और ये जेड को, इक्वल में टू 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 जो फोर टू द एट एक्स वाई जेड, डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस जेड स्क्वायर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ वाई और जेड, यानी कि वन माइनस वाई स्क्वायर और वन माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। सेम यहाँ पर क्या बचेगा, वाई कैंसिल हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर जेड कैंसिल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। टू टू जो फोर टू जो एट, मल्टीप्लाई वाला टू कॉमन ले कटेगा, एट को टू से काटेंगे तो फोर एक्स वाई जेड बचेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, फोर एक्स वाई जेड के, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन टेन है, टेन क्या दिया हुआ है हमारे पास, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। टेन में गिवन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का सम हमारे पास पाई है, ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या है, पाई है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ऑप्शन चारों आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन हैं देखते हैं। बी प्लस यू क्या लिख लेंगे हम, पाई माइनस ए, क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए, और एक ए ऑलरेडी है कोई बात नहीं, पाई माइनस बी पाई माइनस सी, ए और ए क्या हो जाएगा टू ए, यह हो जाएगा साइन पाई माइनस टू बी, यहां पर पाई टू सी, साइन वन एट्टी माइनस थीटा साइन थीटा साइन टू ए, ये तो वही रिजल्ट आ गया ना स्टार्टिंग वाला जो मैंने डायरेक्ट बताया था, तो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, ये आपको याद करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो 10 के टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसी टाइप के क्वेश्चंस की और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली सभी सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।